शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णोरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे इसमें सुख दुख की, क्योंकि हर आत्मा एक सुख की तलाश में है, एक सुख की खोज में है, और उसके लिए हमें उन लोगों से सलाह लेनी है, उन लोगों के सानिध्य में हमें रहना है जिन्होंने पहले सुख को प्राप्त किया। तो यहाँ पर सुख को प्राप्त किया नारद ऋषि ने, और किन के सानिध्य में रह करके किया? सनत कुमार ऋषि के सानिध्य में। सनत कुमार जो हमेशा कुमार ही बने रहते हैं, कुमार का मतलब है जिनकी पवित्रता अखंड है, चित जिनका एक क्षण के लिए भी उनमें मलिनता नहीं आती है चित्त में, और चित्त में मलिनता नहीं आती है तो फिर इंद्रिय आदि में भी मलिनता नहीं आती है, क्योंकि चित्त का मालिन्य ही मलिनता ही हमारी इंद्रियों पे शरीर आदि के ऊपर प्रभाव डालता है। यदि व्यक्ति का चित्त अत्यंत निर्मल है तो फिर उसके पास कोई दुख भी नहीं आता है। प्रसादे अस्य दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसन्न प्रसन्न चेत सो ही आशुः, आशु माने तुरंत, शीघ्र ही वो क्या हो जाता है? प्रसन्न चित्त हो जाता है। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और बुद्धि उसकी स्थिर हो जाती है। तो ये निर्मलता का परिणाम है, चित्त की निर्मलता का। तो गुरु जी कैसे हैं? सनत कुमार, सदा कुमार रहने वाले, सदा निर्मल रहने वाले, प्रसन्नता को प्राप्त होने वाले। तो उनसे पूछ रहे हैं नारद जी कि कैसे, हमने शब्द तो बहुत जान लिए हैं, बहुत पढ़ लिए हैं हम, लेकिन कोई ऐसा उपाय बताओ हमें कि हम हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, और फिर जो भी काम करें वो हम कैसे करें? प्रसन्न चित्त होकर के करें, आनंद में रह करके करें। एक काम करते समय आनंद आ जाए बस, ऐसी कोई टेक्निक बताओ। हर काम को करते हुए व्यक्ति क्या करता है? बोल जी ये पढ़ाई के घंटे हैं, तो ये तो उस पढ़ाई के घंटे में तो रोध होकर के पढ़ाई करता है, परेशान होकर के पढ़ाई करता है, और फिर शाम को सारी पढ़ाई के घंटे खत्म होने के बाद, खेत का काम करने के बाद, ग्राउंड में खेल खेलने के बाद, फिर स्नान करने के बाद, फिर बैठता है आसन लगा के, बोले अब थोड़ा सा भगवान जी के साथ संपर्क कर लेते हैं। वो हो नहीं पाता है फिर आधे घंटे में। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इतना लंबे समय डिस्कनेक्ट रहे सुबह से लेके शाम तक, तो अभी कैसे कनेक्ट हो जाएंगे? तो ये बता रहे हैं कि काम करने का तरीका कैसा हो,
काम करते हुए आनंद आए, काम करने के बाद आनंद ना आए, कि पूरे दिन भर तो हमने काम किए और आनंद लेने के लिए अब बैठे हैं हम ध्यान लगा के कि अब हम आनंद को प्राप्त करेंगे, उसमें भी आनंद आएगा, सारे काम करने के बाद ध्यान में भी आनंद आएगा, लेकिन तब ही आएगा जब हम अपने सारे कार्यों को करते हुए आनंद की स्थिति में रहेंगे। और हम हैं ही उस स्थिति में, बस मानना है हमें, ऐसी विश्वास करना है उसके ऊपर, जिस ब्रह्म में लीन होने के लिए, जिसके साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए हम ध्यान में बैठते हैं, उसी ब्रह्म में, उसी निर्मलता में, उसी पवित्रता में, उसी शांति में, उसी आनंद में इस समय भी विराजमान है, इस कक्ष में बैठे हुए भी, सोते हुए भी, जागते हुए भी, खाते हुए भी, उसी में ही हैं। बस उसको व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। स्वीकार क्यों नहीं कर पाता है, कौन सी बाधा है? विचार सबसे बड़ी बाधा है। बहुत लोगों ने ध्यान की खोज की, ऋषियों ने भी ध्यान की खोज की, तो जो अपने इसमें आता है ना उपनिषद में कि हमारी जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं 72,72,10,201 सूक्ष्म नाड़ियां, तो वो जैसे यहाँ सहस्रार चक्र है, यहाँ से एक मूल उसका यहाँ है सहस्रार चक्र में, और उसके नीचे फिर छोटी छोटी जैसे वृक्ष की जड़ें होती है ना, बहुत छोटी छोटी भी होती हैं, एक तो मूल जड़ हो गई बड़ी वाली, फिर उसके उसके कुछ जड़ें निकलती हैं, फिर उसमें भी कुछ और सूक्ष्म होती हैं, तो ऐसे हमारे यहाँ से कुछ तो स्थूल नाड़ियाँ और ये हड्डियाँ आदि, पूरा शरीर फैला हुआ है, ये एक ऐसा वृक्ष है हमारा शरीर जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है, यहाँ से शुरू होता है सहस्रार से, और फिर ये सब नीचे फैला हुआ है, और इसमें कुछ सूक्ष्म नाड़ियां हैं, ये वाली 72,72,00,000, ये शरीर को काटेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, काट के देखेंगे तो नव्स के रूप में, तो ये हमारे इस स्थूल शरीर में नहीं है बल्कि प्राण शरीर में है हमारा ये जो अस्तित्व है। इसकी कितनी लेयर्स हैं? 5। सबसे स्थूल तो ये हो गया अन्नमय कोश, फिर इससे सूक्ष्म वाला है प्राणमय कोश, उससे सूक्ष्म मनोमय कोश, उससे सूक्ष्म विज्ञानमय कोश, उससे सूक्ष्म, तो ये 5 शरीरों की लेयर लेयर हैं, और वो सारे शरीर इसी आकार के ही हैं, जिस आकार का ये वाला शरीर है ना, ऐसे ही वो भी 5 इसी आकार वाले हैं। निषद ने तो बताया, अभी वो चित्र भी खींच के बताया समझाने के लिए। तो ये जो सूक्ष्म नव्स है ना, ये हमारी है प्राणमय शरीर में, इस स्थूल में नहीं है, इस स्थूल में दूसरी नव्स है, वो डॉक्टर को दिखेगा, ये कट जाती है ना, ये तो कुछ तो दिखती भी है अपने हाथ आदि में है, हाँ धवनिया शिराएं, और वो सूक्ष्म है, जैसे सूर्य की किरणें होते हुए भी दिखती नहीं है ना बाहर, क्योंकि वो सूक्ष्म है, ऐसे ही हमारे प्राण में ये बहुत सारी करोड़ों जो बताई 72,00,000,000, ये सारी की सारी जो नव्स हैं, सूक्ष्म जो शिराएं हैं, नाड़ियां हैं, ये प्राणमय शरीर में हैं, और उनमें जब ब्लॉकेज आ जाता है, कहीं कुछ धब्बे आ जाते हैं, कुछ रुकावट आ जाती है, तो फिर हमारे शरीर में अनेक प्रकार के प्राण के रोग होते हैं। प्राण के रोग मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सारे के सारे प्राण के दोष हैं, ये सारे रोग आते हैं फिर, और उसके उससे प्रभावित होकर शरीर के भी दोष आते हैं फिर, जहाँ जहाँ उनमें ब्लॉकेज आता है ना। तो जो योगी हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा भी 2nd नंबर की चिकित्सा है, सबसे पहली चिकित्सा तो है योगिक चिकित्सा, योग ही अपने आप में एक चिकित्सा विज्ञान है, सब प्रकार की रोगों का निवारण करने वाला, चाहे वो शरीर के हैं, चाहे मन के हैं, चाहे प्राण के हैं, और इसकी तो कितनी बड़ी खोज श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने कर दी,
नहीं तो हमें बड़ा कठिन पड़ता है समझने में कि भाई ऐसे कैसे हो जाते हैं, लेकिन ये तो इतना सरल कर दिया, इतना हस्त आमलक जैसे प्रत्यक्ष हो गया हमारे हजारों लोगों के ऊपर। उन्होंने बताया केवल शरीर के ही रोग ठीक नहीं हुए, मन से भी हम चिड़चिड़े थे, बहुत गुस्सा भी आता था, बहुत झगड़ा भी करते थे, बहुत असंयम का जीवन भी था, सब खत्म हो गया, शांत हो गए, सेवा परायण हो गई, मतलब जीवन चेंज हो गया, मन के रोग भी मिट गए, तन के भी मिट गए, प्राण के भी मिट गए, बड़े आवेग उठते थे, शांत हो गए सब। तो शरीर के ये जो प्राण के अंदर जब ब्लॉकेज आ जाते हैं, एक जो पूरे विश्व में एक प्राण शक्ति काम कर रही है जिसको हम कहते हैं प्राणों का भी प्राण, और जिसको हम कहते हैं भुवः, ओम भुहु ओम भुवः, जो हम प्राण ले रहे हैं प्रतिपल ले रहे हैं ना, हम तो कहाँ से ले रहे हैं, यही है बाहर ही, वो शक्ति सर्वत्र व्यापक है। आप जहाँ भी जाते हैं तो आप कोई प्राण शक्ति का कोई सिलेंडर तो साथ बांध के ले जाते नहीं है। आप फ्लाइट में भी बैठते हैं तो सब तरफ से फ्लाइट बंद है तो भी प्राण ले ही रहे हैं ना आप, तो वो प्राण शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि फ्लाइट भी उसको रोक नहीं सकती है, हर जगह है वो। आप पानी में तैर रहे हैं वहां भी है वो प्राण शक्ति, आप गुफा में बैठे हैं वहां भी है, आप नदी के किनारे हैं, कमरे में हैं, पांचवी मंजिल पे हैं, दसवीं मंजिल पे हैं, सर्वत्र व्यापक है वो प्राण शक्ति, प्राणों का प्राण, वहां से हम शक्ति लेते हैं। लेकिन जब हमारी इन नर्व्स में कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो वो शक्ति हम ले नहीं पाते हैं, सहस्रार चक्र से ले नहीं पाते हैं। तो उसमें बाधक, सबसे पहला बाधक जो बनता है वो बनता है विचार। विचारों का एक गुच्छा सा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, विचार बाहर से आते हैं सब, और यदि हम उनको आने देते हैं तो कुछ अंदर घुस रहे होते हैं, कुछ यहाँ मक्खियों की तरह भिन भिना रहे होते हैं, मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं ना, जैसे ऐसे भिन भिनाते रहते हैं विचार हमारे चारों तरफ। तो ये उस प्राण शक्ति को अंदर आने में सबसे बड़े बाधक हैं। जैसे ही विचार शांत हुए वो शक्ति अंदर प्रवेश करती है। रात की नींद में ये काम होता है, जब आप गाढ़ निद्रा में होते हैं तो क्या होता है, विचार शांत बंद हो जाते हैं, उस समय प्राण शक्ति हमारे माइंड में, माइंड इसके सहस्रार के माध्यम से प्रवेश करती है, और वो उन सब, वो जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं उनके अंदर प्रवाहित होती है। उस प्राण के सशक्त होने से हम अगले दिन सब क्रियाएं कर पाते हैं। अगर वो हमें नहीं मिले तो हम वो क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। तो प्राण शक्ति जितनी अधिक से अधिक मात्रा में हमें मिलेगी, उतनी ही मात्रा में हमारे शरीर के, हमारे मन के रोग नष्ट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है ये। तो व्यक्ति को जागते हुए भी जब अपने विचारों को रोक देता है तो शक्ति प्रवाहित होती है, और वो सब जो ब्लॉकेज थे धब्बे से पड़ जाते हैं उन सूक्ष्म नर्व्स में, और वो जो धब्बे से हैं वो जब प्राणायाम करते हैं, एक तो वो उसका उपाय बताया प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, तो वो धक्का मारता है ना प्राण वहां जाके, तो वो जो ब्लॉकेज था वो हट जाता है वहां से, तो शक्ति का प्रवाह होने लगता है। शक्ति का प्रवाह होता है तो मन के भी और शरीर के भी दोनों रोग ठीक होने लगते हैं। दोनों रोग ठीक हो गए तो व्यक्ति सुखी होगा, इसी साइंस को यहाँ बताया सनत कुमार ऋषि ने, नारद को बताया। ये सुख की खोज में है, और सुख की खोज में केवल नारद नहीं है, हम सब हैं। तो इन्होंने पहला उपाय बताया, क्योंकि उनको लगता था कि मैं तो इतना पढ़ लिख लिया तो मेरे तो सब दुख दूर हो ही जाने चाहिए। जब उनको जाके बताया तो दुख दूर करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है बोलो, दुख दूर करने के लिए आपको कई बार बताया है, सबसे पहली शुरुआत कहां से हो दुख दूर करने के लिए, दुख दूर करने हैं शुरुआत कहां से करें, सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना है,
वो ठीक है, मुझसे ही करनी है शुरुआत, वो ठीक है, पर मैं कहां से शुरू करूं? ना, उससे भी पहले है? ना, आप इसको पढ़ के बोल रहे हो, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है, इसमें इसको पढ़ के मत बोलो। सबसे पहली शुरुआत होती है व्यक्ति सरल बने, रिजु, शुरुआत तो वहीं से होगी ना, सरलता। गीता में भी बताया ना भगवान ने कृष्ण को, और कृष्ण, ये अर्जुन क्या है? रिजु, सरल है। आधारशिला शुरुआत सुख की होती है सरलता से। व्यक्ति यदि सरल नहीं है, जटिल है, कुटिल है, तो वो हटा ही नहीं पाएगा, अनावश्यक को हटा नहीं पाएगा और सुखकारी चीजों को अंदर आने नहीं देगा। इसलिए कभी भी डॉक्टर के सामने रोग नहीं छिपाना और गुरुजनों के सामने कभी मनोरोग नहीं छिपाना। डॉक्टर के सामने शारीरिक रोग नहीं छिपाना। डॉक्टर के पास जाके आप बताओ ही नहीं, पेट में दर्द था और डॉक्टर साहब ने पूछा, और कैसे हो भाई? बोल जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है तो यहाँ क्या नमस्ते करने आए हो डॉक्टर से? इसलिए क्यों आए हो यहाँ पे? हॉस्पिटल में आए हो, इसका मतलब ठीक नहीं हो। ठीक नहीं हो तो कौन सा रोग है बताओ उनको, वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो गुरुजनों के पास जा करके बोले, ना जी मैंने तो सब वेद दर्शन उपनिषद, मैं सब जानता हूँ जी, यहाँ कुछ आए ब्रह्मचारी, यहाँ 10-20 दिन रहे, 10-20 दिन कक्षा अटेंड की, बोले जी मैंने तो सब जान लिया, मैंने दर्शन भी जान लिए, उपनिषद भी जान ली, उपनिषद की भी कक्षाएं अटेंड कर ली, मैंने सब जान लिया। तो ये रिजुता नहीं है, जाना नहीं अभी हमने। जानने का मतलब होता है वो अनुभूति होना, सुना है अभी, अभी तो हमने प्रैक्टिस करनी शुरू भी नहीं की। और फिर कुछ लोग तो उसी से ही गुरु भी बन जाते हैं, जो आचार्य जी एक बात कहते हैं ना कि भाई गुरु बनने के लिए पहले शिष्य बन जाओ। शिष्य बनना सबसे कठिन काम है धरती का, मतलब गुरु तो ऑटोमेटिक बन जाता है, वो कठिनाई तपस्या तो क्या है शिष्य बनने में। शिष्य बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि शिष्य बनने के लिए व्यक्ति को ऋजु बनना पड़ता है, और ऋजु बनने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार को तोड़ना पड़ता है, अपने दोषों को मिटाना पड़ता है, तभी तो ऋजु होंगे, तभी तो हम बताएंगे। अर्जुन ने कितना स्पष्ट स्पष्ट बताया कृष्ण को कि मेरे अंदर ये दोष है, मोह है, मतलब है। तो जो व्यक्ति जितना ऋजु होगा, मेरे अंदर किसी के प्रति घृणा का भाव है तो उसको बताओ अपने गुरु को। मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष का भाव है उसको बताओ, तो गुरु जी ठीक कर देंगे। इस चक्कर में ना रहो, ये मैंने बता दिया तो मेरी तो छवि ही धूमिल हो जाएगी, तो ये सोचेंगे अच्छा तुम तो ईर्ष्या भी करते हो। तो आप बताओ या ना बताओ, वो तो जीवन से पता लगता ही रहेगा ना, और वो अंदर अंदर आपको भी सड़ाती रहेगी, गलाती रहेगी, दीमक की तरह से खाती रहेगी। अध्यात्म की शुरुआत होती है व्यक्ति कैसा होना चाहिए, रिजु, सरल। नारद कैसे हैं? रिजु। सनत कुमार जी के पास जाके कहते हैं सब पढ़ लिया है, लोग मेरे को बड़ा विद्वान भी कहते हैं, लेकिन शोक के पार नहीं गया, अभी भी मैं शोक युक्त हूं, तो आप बताइए क्या करूं। तो अब उन्होंने उपाय बताना शुरू किया। जब व्यक्ति पूछेगा ही नहीं, अपने दोष को बताएगा ही नहीं, तो गुरु दूर कैसे करे? गुरु दूर भी नहीं कर पाते। हम यदि बताएंगे तो वो फिर प्रतिपल हमारी सहायता करते हैं। हो सकता है उस समय वो स्थूल वाणी से कुछ ना भी बताएं, पर एक बार उनके माइंड में वो चीज डाल दी ना, तो फिर वो आपको अपनी सात्विक एनर्जी भेजते रहते हैं, और थोड़े दिन में वो दोष आपके हट जाएंगे प्रकाश में लाने से। तो इन्होंने कहा कि आप सुख चाहते हो ना, तो सबसे पहले साधना करो आप वाणी की। आपने जो पढ़ा है वो क्या है? शब्द मात्र है केवल, और शब्द से क्या मिलेगा? जितनी शब्द की सामर्थ्य है उतना सुख मिल जाएगा। शब्द की सामर्थ्य भी बहुत बड़ी है। शब्द पढ़ना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, शब्द पढ़ने ही चाहिए। शुरुआत होती ही वहीं से है, नाम से ही शुरू होती है। तो सारे शब्द शास्त्र को इन्होंने एक शब्द में बोल दिया, नाम।
नाम की अपनी महिमा है, नाम से ही व्यवहार शुरू होते हैं। संसार में जब बच्चा आता है तो जब वो पैदा हुआ उस समय तो कोई नाम होता नहीं है ना उसका। नामकरण संस्कार कब होता है? 11 दिन के बाद, कम से कम 1 महीने के बाद, या 1 साल तक कभी भी कर लो फिर। लेकिन जब पैदा हुआ उस समय तो कोई नाम नहीं था उस बच्चे का, उसके बाद ही उसको नाम दिया जाता है। और आजकल तो क्योंकि हॉस्पिटल आदि में पैदा होते हैं तो वो लोग तुरंत कहते हैं कि भाई फिर हम आगे इसके कागज पेपर, वो सर्टिफिकेट बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो कोई नाम देना पड़ेगा, क्योंकि बिना नाम के कैसे सर्टिफिकेट बने, व्यवहार कैसे चले, नाम तो देना पड़ता है। तो हम सबको लोक का व्यवहार चलाने के लिए कोई कोई एक नाम दे दिया, लेकिन वो हमारा वास्तविक नाम नहीं है। इस ये जो नाम है, इससे पहले भी हम थे, पैदा हो गए थे ना हम, तो हमारा अस्तित्व उससे पहले है। तो ये तो व्यवहार के लिए दिया था ये नाम तो हमें, इसलिए नामकरण संस्कार में भी वहां पर जब संस्कार करते हैं ना तो पिता पूछता है अपने छोटे से नन्हे से बच्चे से, उसके नाक को स्पर्श करते हुए फिर उससे मंत्र बुलवाया जाता है पिता से। वो बच्चे की तरफ देखते हुए पूछता है कोसी, कतमोसी, कस्यसी। कोसी मतलब कौन है आप, बच्चे से पूछ रहा है, इतना छोटा सा बच्चा है, कैसे बताएगा मैं कौन हूँ। कोसी, कतमोसी, कतमा मतलब कौन से हो, कस्यसी किसके हो, पता ही है ना मेरा बेटा है, मैं बापू हूँ इसका, फिर भी क्यों पूछ रहा है। वो बता रहा है उसको कि आज जो संस्कार करते हुए आपको नाम दिया जा रहा है ये मात्र टेम्परेरी है, लोक व्यवहार के लिए। इस लोक व्यवहार को करते हुए जब संसार से जाओ उससे पहले ये जान लेना को असी कौन हो। पिता अपने बच्चे को संदेश दे रहा है, पहला संदेश उससे पहले दिया था पैदा होते ही, वेदोसी, ज्ञान स्वरूप है तू। इतना बच्चा छोटा कैसे समझेगा, लेकिन एक संस्कार डाल दिया, बीज बो दिया, अंकुरित होता रहेगा, पौधा बनता रहेगा, फल आते रहेंगे बाद में, बीज तो बोना पड़ता है ना। लेकिन तो इसने छोटे बच्चे में, क्योंकि शरीर छोटा है, आत्मा तो छोटी नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों के प्रवाह से चल रही है वो आत्मा, तो इसलिए उसको एक बीज डाल दिया उसके अंदर, वेदोसी तू ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान में मत फंसना, आ गया है संसार में, यहाँ बड़े अज्ञान अंधकार हैं, बड़े यहाँ पर छलावे, बड़े भ्रम हैं, फंस मत जाना, वेदोसी तेरा वास्तविक स्वरूप ज्ञान है। फिर यहाँ फिर कह रहा है 11 दिन के बाद याद दिला रहा है कोसी, इस बात को जान लेना जीवन में कि तू कौन है। कतमोसी, 3 प्रकार के इंसान होते हैं, सामान्य कोटि के, मध्यम कोटि के, उच्च कोटि के, तू तय कर लेना कि तू कौन सा है, क्योंकि जो तू तय करेगा ना वो ही तू बन पाएगा। तो पूत के पैर पलने में दिखाई देते हैं, यही उसका अर्थ है कि जो बच्चा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य जब जिस चीज को तय कर लेता है ना, उसके बाद वो वही बनना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल शुरू से कोई तय कर ले अपने लिए कोई अच्छा डिजाइन, बहुत ही अच्छी बात है। शुरू से पता नहीं लगा, आज पता लगा, आज तय कर लो। आज यदि मूड नहीं है तो कल तय कर लेना, कोई बात नहीं। कल भी मूड नहीं हो तो जन्मों के बाद कर लेना, आपकी मर्जी है। लेकिन जितने संस्कार ये उल्टे पुल्टे बना लिए, ये सारे हटाने मेरे को ही पड़ेंगे, कोई दूसरा हटाने वाला नहीं है। जितना मर्जी आप देर कर लो, जितना मर्जी जल्दी शुरू कर लो, मर्जी आपकी है, करना आपको ही पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कोसी, कतमोसी, कस्यसी, मेरा बेटा नहीं है ये, तो केवल व्यवहार के लिए है। तो किसका बेटा है? अमृतस्य पुत्रा वयम श्रृण्वन्तु, उस अमृत के पुत्र पुत्रियां हैं हम, उस अमृत की संतान है, ईश्वर की संतान है। तो नाम तो जरूर पढ़ना, नाम तो होना चाहिए, नाम के बिना व्यवहार कैसे चले, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बने। और बर्थ सर्टिफिकेट की बात भी छोड़ो, घर में भी 2-3 बच्चे हों तो किस, नाम नहीं है तो कैसे बुलाएं उस बच्चे को। अभी तो बच्चे को उसका नाम बोलो तुरंत आता है,
और कोई भी नाम नहीं होता, हे आत्मा इधर आना, तो कई आत्मा है, कौन सी आत्मा आएगी? तो फिर बताना पड़ेगा कि कौन सी वाली आत्मा हो, इसलिए नाम दिया जाता है। तो नाम बहुत जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि नाम की निंदा नहीं है यहाँ, लेकिन केवल नाम मात्र से सुख नहीं मिलेगा। सुख अगर आपको चाहिए तो नाम से भी आगे किसकी साधना करना? वाणी की। नाम से भी बड़ा क्या है? वाणी। बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी साइंस यहाँ पर खोल के रख दी है सनत कुमार जी ने, नारद जी के सामने और हम सब के सामने। हमारे जीवन के 99% सुख कहाँ छिपे हुए हैं? वाणी के पीछे। कोयल किसी को कुछ देती थोड़ी है, लेकिन सबको किस लिए प्रिय लगती है? वाणी के पीछे। बहुत बड़ी साधना है ये, पता भी नहीं चलता है हमें कितने वर्षों तक, किसी ने बताया भी नहीं, किसी ने समझाया भी नहीं, क्योंकि समझाने वाले थे उनको भी नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी शक्ति है। और फिर अभ्यास बनने के बाद उनको तोड़ना बिल्कुल महाभारत होता है फिर। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको, ऐसे तो सबके माँ बाप ही सिखा देते हैं बोलना, एक दो साल में बच्चा बोलने लग ही जाता है। पर जो वेद में कहा ना, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, अगर किसी को ऐसे माता पिता और गुरु आचार्य बचपन में ही मिल जाएं जो उनको वाणी की महिमा बता दें कि आपके पास ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, ब्रह्म ब्राह्मण की गो, ब्रह्म गवि सूक्त है ना अथर्ववेद का, आचार्य अभयदेव जी ने लिखा है, ब्राह्मण की गो पुस्तक है और उसमें दो सूक्त हैं शायद, एक ब्रह्मचर्य सूक्त और पहला ब्रह्म गवि सूक्त, फिर कुछ और भी लिखा है उन्होंने। तो वहां वो पूरा सूक्त है ब्रह्म गवि, माने ये ब्रह्म की शक्ति है और ये शक्ति केवल हमने खाने के लिए नहीं मिली है हमें, ये जो जिह्वा है इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बहुत कुछ खोया भी जा सकता है वाणी से। तो इसलिए यहाँ इन्होंने बताया कि आपको यदि सुख चाहिए तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करो? आप वाणी से करो। वाग वही ब्रह्म, ये वाणी क्या है? साक्षात ब्रह्म ही है। इसलिए हमें प्रतिदिन क्या संकल्प करना चाहिए कि आज की वाणी कैसी रहेगी? सत्य बोलेगी। आज वाणी का सदुपयोग मेरा क्या है? आज वाणी की उपासना का मतलब क्या? इन्होंने कहा कि नारद वाणी को ही तू ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना कर। तो वाणी की उपासना मतलब क्या? होठों के पास लाके कोई दिया थोड़ी जलाना है या धूप थोड़ी जलानी है। वाणी की उपासना का मतलब है कि आज सत्य ही बोलूंगा, कुछ भी लॉस हो जाए सत्य ही बोलना है। और सत्य को भी जितना मैं जानता हूं उतना प्रिय ढंग से बोलना है। वाणी से क्या बोलना है? हितकारी ही बोलना है, किसी का अहित करने वाला नहीं बोलना है। वाणी से क्या बोलना है? जिससे किसी के जीवन में खुशहाली आए, कुछ प्रोडक्टिविटी हो, ऐसा आज बोलना है। वाणी से जब भी बोलूंगा तो ये सोचूंगा कि ये भगवान की ही पूजा कर रहा हूँ, वाणी के द्वारा स्तुति कर रहा हूँ उसी की। तो कबीरदास जी ने कहा कि जो जो बोलूं वो सब क्या है? स्तुति। जो जो चलूं पैरों से वो क्या है? परिक्रमा। जब सो जाता हूं तो वो क्या है? दंडवत।